بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائس پر تشریف فرما میرے بڑے بھائی ایڈوکیٹ بالا صاحب امبیڈکر صاحب ہماری پارٹی کے ضلع ناندیڑ کے صدر محترم جناب فیروز لالا صاحب رکن اسمبلی اورنگ آباد محترم جناب امتیاز جلیل صاحب سابقہ ایم ایل اے ہری بھاؤ ہڑے صاحب ناندیڑ کے لوک سبھا کے ونچت بہوجن اگاڑی کے امیدوار ڈاکٹر پروفیسر یشپال گنگے صاحب حمید بھائی صاحب ڈاکٹر سنگا رتنا کورے صاحب موہن راتھوڑ صاحب शिवाजी केदेवाल साहब बालाजी फिरदे पाटिल साहब शिवानंद हैबतपुरे साहब नांदेड़ शहर के एमआईएम के सदर मेरे पार्टी के रुखा निजामाबाद भैंसा से मेरे मजलिसी रुखा रशीद नायक अजीजानी मिल्लत हाजरीन इकराम मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मोहतरम जनाब एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर साहब के इस जलसे को आपकी शिरकत ने ना सिर्फ कामयाब किया बल्कि मैं समझता हूं कि मरठवाड़ा के इस इलाके से आज यहां पर हजारों की तादाद में आपकी मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रही है उनको ख्वाब गफलत से बेदार कर रही है उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र का दलित मुसलमान और ओबीसी अब उन सियासी पार्टियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने 70 साल से दलितों का इस्तेमाल किया जिन्होंने 70 साल से ना कर उनका वोट हासिल किया जिन्होंने 70 साल से ओबीसी समाज को सिर्फ झूठे वादे कर कर उनका इस्तेमाल किया उनका इस्तेमाल किया महाराष्ट्र की गरीब आवाम महाराष्ट्र की बहुजन समाज जो हमेशा अपने आप से सवाल करती थी कि क्या कोई एक ऐसा विकल्प है क्या कोई एक ऐसा मुतबादिल है क्या कोई ऐसा एक ऑल्टरनेटिव है जो दलित मुसलमान और ओबीसी समाज के मसाइल हल कर सके जो हमारी आवाज को बेबाक तरीके से महाराष्ट्र की विधानसभा में उठा सके क्या हमारे पास ऐसे गयूर और बहादुर एमपी नहीं होंगे जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहिब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो हुकूक दिए गए उसके हुकूक को उठाएं और आवाज बन सके मैं महाराष्ट्र के दलितों से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं महाराष्ट्र के ओबीसी से कह रहा हूं कि आज वक्त आ गया है जो ख्वाब आप देख रहे थे जो ख्वाब आप देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मैं मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा उनकी हर कोशिश में उनका साथ दूंगा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से कह रहा हूं कि ना सिर्फ महाराष्ट्र ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बाला साहिब अम्बेडकर साहब आपके साथ खड़ा हुआ है आप ये जो जिद्दोजहद का जिसका आपने आगाज किया ये स्ट्रगल का जिसने आपने आगाज किया जो बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को कदम उठाया हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जहां कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे हमारी कोशिश एक ही है कि ये समाज को इंसाफ मिले और याद रखो महाराष्ट्र के दलित आवाम मेरे दलित भाइयों मेरी इस बात को याद रखो कि हिंदुस्तान की लोकसभा में
महाराष्ट्र की विधानसभा में या हिंदुस्तान की जहां जहां ऐवान असेंबली है, यकीनन हमारे दलित भाई वहां पर एमएलए और एमपी बनकर चले जाते हैं। मगर आखिर क्या बात है कि जब दलित समाज पर, जब बहुजन समाज पर, जब मुसलमानों पर, जब ओबीसी पर, बाबा साहिब के दिए हुए संविधान पर जब हमला किया जाता है तो क्या हो जाता है हमारे नुमाइंदों को कि इनकी जबान नहीं खुलती, क्या इनके दिमाग में जोश नहीं पैदा होता, इनका जिस्म हरकत नहीं करता। इसलिए नहीं करता मेरे दलित भाइयों क्योंकि ये तमाम के तमाम चमचों की पार्टी के चमचे बने हुए हैं। आपको चमचों को नहीं बल्कि आपको बहादुरों को कामयाब करना है। जितनी नेशनल पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, इनके पास हमारे दलित भाई हैं, मगर वो हरगिज उनको इस बात की इजाजत नहीं देते कि खुलकर मसाइल को बयान कर सके। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 60-65 साल पहले बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि हाँ, ये लोग हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका उसूल मैंने लिखा, ये हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका संविधान मैंने लिखा, ये बैठते जरूर है, ये आवाज मुंह नहीं खोलते, ये कब मुंह खोलते, जब उनको नींद आती है तो अंगड़ाई लेकर आ करते। आप बताइए, लोकसभा में 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, किसको दिया गया? सावरना समाज को दिया गया। किसको दिया गया? जनयोद्धारों को दिया गया। 82 MPs हैं, सब खामोश बैठे, कोई मुंह नहीं खोला। मुझे उस वक्त बाबा साहिब अंबेडकर का जुमला याद आया कि बाबा साहिब अंबेडकर ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ये मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह उस वक्त खोलेंगे जब उनको नींद आए। अब हम यहां पर आए हैं, अब हम यहां पर आए हैं बाला साहिब के साथ कि नींद से बेदार करने के लिए आए हैं आपको। अब बेदार होने का वक्त है, अब हम बहुत सो चुके, अब जागने का वक्त है, अब लड़ने का वक्त है, अपने हक को हासिल करने का वक्त है। बाला साहिब को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिठाने का वक्त है। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक दलितों की बेबाक आवाज जाएगी, ओबीसी की बेबाक आवाज जाएगी, जो इन सावरनाओं से, जो इन जनयोद्धारों से, जो इन इस्तेसार करने वालों का साथ नहीं देगी, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मुतालबा करेगी। आज हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, तो क्या हिंदुस्तान को मजबूत राहुल, मोदी, फडणवीस, पवार या ठाकरे करेंगे? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? ये दलित समाज का गरीब नौजवान करेगा। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? जो अंबेडकर का सही जाने वाला होगा। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा कौन करेगा जब पार्लियामेंट में जाएगा? ये लोग क्या है? ये लोग तो सिर्फ टूटू मैं करते रहते, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ यही कहती है, चौकीदार वो उधर से मोदी बोलते हैं, नामदार वो मैं कामदार, पवार साहिब बोलते कि मैं करूंगा। मेरे भाई, ना मोदी करेंगे, ना राहुल करेंगे, ना पवार साहिब करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम ऐसी ताकतें हैं जो कभी भी दलित समाज को, मुसलमानों को, ओबीसीज को, बहुजन समाज से इंसाफ नहीं करेंगे। क्या किया आपने बताइए? 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर, क्या किया इन्होंने बताइए? अगर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बनाते तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर अंबेडकर संविधान नहीं बनाते
तो दलितों को, मुसलमानों को, बहुजनों को इंसान मानने का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। अगर आज हिंदुस्तान में दलितों को, एससीज को, आदिवासी को अगर इंसान का दर्जा दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जो हिंदुस्तान का शहरी है वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है। बाबा साहेब ने लिख दिया कि सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है, ये उन्होंने बनाया है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, बाबा साहिब के उस ख्वाब को पूरा करना है। और क्या ख्वाब है? बाबा साहिब ने संविधान में लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस, समानता, इंसाफ, भाईचारा। ये कैसे हासिल होगा? बाबा साहिब जानते थे कि मुल्क आजाद हो जाएगा। बाबा साहिब जानते थे ये तमाम के तमाम जालिम लोग मुझे कामयाब होने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि समानता को हासिल करो, भाईचारे को हासिल करो, इंसाफ के लिए लड़ो, आजादी के लिए लड़ो। कि मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाब को पूरा करने के लिए? क्या आप आजादी चाहते हैं? किससे आजादी चाहते हैं? हम आजादी चाहते हैं मोदी से, हम आजादी चाहते हैं राहुल से, हम आजादी चाहते हैं पवार से, हम आजादी चाहते हैं ठाकरे से, हम आजादी चाहते हैं फडणवीस से, हम तमाम जुल्म करने वालों से आजादी चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? आजादी मिलेगी आपको। और मेरे भाई, सिर्फ नारा मत लगाओ कि बाला साहिब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, कुर्बानी देंगे। हमारे बस में जो है वो तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। जीतना हारना ये मुकद्दर फैसला करेगा। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने दिलो दिमाग में इस बात को पैदा कर लेंगे कि हम आजादी चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए ये बहुजन अगाड़ी वंचित ये बनाया गया कि भाईचारा पैदा किया जाए। मेरे भाई, भाईचारा पैदा करना हमारी कोशिश क्या है कि इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा संविधान में जस्टिस, इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा इक्वालिटी, मसावात हो, समानता हो। ये क्या किया इन्होंने बताया? हमको सिर्फ कहती है कि हमारे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जब ये बहुत वंचित बहुजन अगाड़ी बनाया तो फौरन कांग्रेस के पास ये आवाज आई कि ये वोट काटने के लिए बनाया गया। एनसीपी के लोग कह रहे हैं ये बी टीम है। मेरे भाई, थोड़े दिन पहले, बल्कि एक महीना पहले तेलंगाना में असेंबली का इलेक्शन हुआ। क्योंकि हम यहां पर हमारे बड़े भाई बाला साहिब की तायीद कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम जनयोधारियों को, ये तमाम के तमाम हिंदू नेशनलिज्म की बात करने वालों को, मैं इंडियन नेशनलिज्म की बात करता हूं। मैं हिंदू नेशनलिज्म की बात नहीं करता, मैं इंडियन नेशनलिज्म की बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि बाबा, इंडियन नेशनलिज्म इज रेलिवेंट। तेलंगाना में इलेक्शन हुआ तो राहुल गांधी भी टपक गए, मोदी भी पहुंच गए, योगी भी पहुंच गए, फडणवीस भी पहुंच गए, सब पहुंच गए। और सबने कहा कि हैदराबाद से MIM को कामयाब होने नहीं देंगे, इसको यहां पर रोकना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र जाकर प्रकाश अंबेडकर को अपना बड़ा भाई मानकर
मजलूम दलितों के इंसाफ की बात कर रहा है, इसको हैदराबाद में हम रोक देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि तुम क्या, तुम्हारी पूरे लोग भी आ जाओगे तो तुम मेरा बाल भी का नहीं कर सकोगे। मोदी एक बार नहीं, दो दो, अमित शाह एक बार नहीं, तीन तीन बार आए, राहुल गांधी तीन तीन मर्तबा आए, योगी भी आए, सबने कहा देखो आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, जब एक मर्द खड़ा हो जाता है गरीब आवाम के लिए तो तमाम के तमाम एक होकर आते। आज महाराष्ट्र में एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है, वो है प्रकाश अंबेडकर, जो मर्द बनकर, जो बहादुरी के साथ और पूरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ इस गरीब और मजलूम समाज के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। इसमें हमारा कोई जाती मफाद नहीं, हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। तो मेरे भाई, तेलंगाना को आए, हैदराबाद को आए, राहुल गांधी आकर बोले ओवैसी बी टीम है। लोगों ने पूछा किसकी टीम, तो कहा बीजेपी की बी टीम है। दो दिन के बाद राहुल ने यूं किया, हमने समझा कि कुछ खरगोश निकलेगा, कुछ नहीं निकला, कहा सी टीम है। फिर राहुल गांधी ने कहा ये महाराष्ट्र में क्यों लड़ते हैं, क्यों महाराष्ट्र आपका खानदान का है, हमारा नहीं है, क्यों जाते हैं महाराष्ट्र को, जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़काऊ भाषण देगा इंशाल्लाह। ये राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे, पकड़ पकड़ कर लोगों को लाए, अरे चल 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 चल, उसकी सभा है, उसकी सभा है, लोगों को खींच खींच कर लाए। किसी को कहा कि तुझे 100 रुपये 200 रुपये देंगे, एक मुरख का पैकेट देंगे। मुझसे गरीब आवाम ने पूछा असद भाई पैसे भी मिल रहे, चिकन भी मिल रहा। मैंने कहा मटन नहीं मिल रहा, वो भी ले ले। सबको बुलाए तो 1500 लोग, 2000। अब यहां पर जितने लोग आए, जरा मेरी इस बात का पैगाम, मेरी इस बात के सवाल का जवाब दे दो, ताकि जन्योधारू राहुल गांधी को मालूम हो जाए और साहिब अशोक राव को भी मालूम हो कि साहिब इतने लोग जो यहां पर प्रकाश अंबेडकर के नाम पर आए, हमने किसी को भी एक पैसा नहीं दिया। आपको पैसे दिए, आपको दिए, क्यों आए, क्यों आए आप? आप अपने समाज के इंसाफ के लिए आए। और जब राहुल की सभा होती, जब मोदी की होती मित्रों की, तो पैसे देकर लाते, यहां पर लोग पैसा खर्च किया, ये हमने उनके पास, ये हमारी पहली कामयाबी। और हैदराबाद में तो टाई टाई हो गया इनका। राहुल गांधी बोले बी टीम, राहुल गांधी बी टीम बोले, तो तेलंगाना की आवाम ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा हाल करेंगे कि टीम भी नहीं खाएगा। 119 सीट में से 90 सीट पर लड़ी। और मेरे प्यारे, ये मेरे ख्याल से कुछ 18 जीते, 18 जीते, 18। समझ में नहीं आया उनको बी टीम। मोदी आए, मोदी आके बोले हाँ, तो लोगों ने कहा कि हमारा भाई ओवैसी, लोगों ने कहा कि अब तेरे भाइयों बहनों में नहीं आने वाले हैं। तेलंगाना की आवाम ने कहा कि तूने हमको धोखा दिया, नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया, ना तू नौकरी दिया, ना तू 15 लाख दिया, ना किसानों का किया, तूने क्या किया? तो सिर्फ कहा भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों।
जो बोले कहा बस अब बस कर दे, अब मत बोल मत बोल मत बोल, अब तू जा 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 जा। ये करने की आयो योगी आके बोले मैं ओवैसी को हैदराबाद से भगा दूंगा। हमने कहा क्या आपका हैदराबाद? तो तेलंगाना की आवाम ने जवाब दे दिया, मेरे भाई याद रखिए इस बात को कि बाबा साहिब अंबेडकर ने हमको कह दिया, संविधान बनाकर कह दिया कि तुम पैदा नहीं किए गए हो कि सिर्फ शर्मा द्विवेदी फडणवीस राहुल गांधी मोदी पवार और ठाकरे को वोट दो। मेरे भाई तुम वोट देते आए, आज तुमको अपने आप को वोट देना। यहां पर हमारे भाई यशपाल को वोट देने का है, क्या आप देंगे यशपाल को वोट लोकसभा में? जरा जोरदार हाथ उठाकर कहिए क्या आप देंगे? क्या नांदेड़ का मुसलमान देगा? क्या नांदेड़ का मुसलमान देगा? अगर देगा तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। क्या नांदेड़ का ऐसी समाज देगा तो बोलो जय भीम। क्या ओबीसी समाज देगा तो हो गया का। आप मैं आने के बाद मालूम हुआ कि अशोक राव साहब बात करें कि मेरे पीछे पड़े रहे, क्यों पीछे पड़ते नहीं? मैं दिखता हूं क्या मर्द को और नहीं दिखता? नहीं वो ऐसा वो इन्हें वो कम्युनल इन्हों कम्युनल। अशोक राव साहब 11 तारीख दिसंबर को 10 की रात को अगर मैं बोलूं, एक दिन पहले तेलंगाना के काउंटिंग से पहले तुम्हारे पार्टी के तुम्हारे से बड़े बड़े लीडर क्या बोल रहे थे, ओवैसी मदद करोगे क्या? आज आप हमको कम्युनल बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि नहीं प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक राव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से शरद पवार से भी कह रहा हूं, कह रहे हैं कि मायम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अंबेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीख दे दो। मेरे को एक सीख भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीख भी नहीं चाहिए। जितनी उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप हो गए, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तारीफ करेगा, मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, हमारे बड़े भाई को बाला साहिब अंबेडकर साहब को उनके मुकाम उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत दी गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, बता तूने क्या किया। मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा फर्ज है हमारे अंदर। मैं इस फर्ज को उतारने को आया हूं, मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है,
अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ, ये वो शख्स था जिसने गरीब एससी आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके साथ। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। मगर मेरे को अब डाउट हो गया कि वो लाल बत्ती भी आएगी या नहीं आएगी। आप जो इतनी बड़ी तादाद में एक पैसा दिए, लोग जब जमा हो गए हजारों की तादाद में, तो ये एक इनकलाब का पैगाम, यहां से एक इनकलाब पैदा होगा और वह इनकलाब लाना जरूरी है। अब इनकलाब बंदों गोली से नहीं आएगा। यही चीज बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमसे कहा कि अब इनकलाब बंदों गोली से नहीं, इनकलाब वोट के जरिए लाओ, वोट के जरिए लाओ। ये लोग क्या बोलते, ये जंगधारू, ये हिंदू नेशनलिस्ट कहने वाले, ये हमसे कहते हैं कि वोट के जरिए नहीं, तुम हमको गुलामी करो। और हम आपसे कह रहे हैं कि गुलामी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इस लोकसभा में जब 10% का रिजर्वेशन का कानून बन रहा था, अगर मेरे बड़े भाई बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ एक 4-5 एमपी होते, ये खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि तुम कानून नहीं पास कर रहे हो, तुम बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन बाबा साहिब ने कहा कि जस्टिस के लिए, उस समाज के लिए जिस पर तुमने 2000 साल तक जुल्म किया। रिजर्वेशन उस समाज के लिए जिसका हमारे दंगर भाई मुतालबा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए इंसाफ का तकाजा। और फिर ये बोलते कि नहीं, मजहब के नाम पर मुसलमान को नहीं मिल सकता। अरे मैं मजहब के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर। बॉम्बे की हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उसमें जो 50 जाति हैं उनको मिलना चाहिए, आप नहीं देती। इंदिरा सानी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था, अगर पूरा समाज बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन मिल सकता। मेरे भाई धोखा दे रहे हैं ये बीजेपी और कांग्रेस, धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि एससी एसटी, ये मुसलमान, हमारे ओबीसी, हमारे दंगर भाई से इंसाफ। ये सिर्फ यही चाहते हैं इनका वोट लो, वोट लो, वोट लो और राज। अब नहीं चलेगा, वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा इंशाल्लाह। वोट हमारी ताकत है। और जो लोग बोल रहे हैं आपसे, ये ओवैसी आकर भड़काव भाषण देकर वोट को काटेगा, प्रकाश अम्बेडकर वोट काटेंगे, याद रखो, अगर तुम इस तरह की सोच से मुतासिर हो जाओगे तो तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के दोस्त नहीं, तुम दुश्मनी कर रहे हो। अगर तुम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हो तो दो अपने आप को, प्रकाश अम्बेडकर को नहीं, मेरे भाई यशपाल को नहीं, अपने आप को दो। तुमने 70 साल नेहरू परिवार को दिया, तुमने 30 साल पवार परिवार को दिया, तुमने 40 साल ठाकरे परिवार को दिया। अरे महाराष्ट्र के मेरे एससी भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के आदिवासी भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के दंगर भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों, क्या तुमने कभी अपने आप को वोट दिया? सोचो, अपने दिल पर जोर डालकर सोचो, घर को जाओ, घर में बैठ कर सोचो कि क्या मैंने वोट दिया अपने आप को? तुमने अपने आप को वोट नहीं दिया। अगर आज किसी एक दलित औरत की इज्जत नहीं दी जाती, सुनो मेरे सी भाइयों, हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज में,
रोज चार दलित औरतों की रेप होता है। तुमने किसको किया पूछो? तुमने रेप करने वालों का साथ दिया। आज आपसे कह रहा हूं, अगर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाना है, अपने दलित नौजवानों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बचाना है, दंगल समाज के गैयों नौजवानों, तुम्हारे हाथ में लकड़ी है तो वो लकड़ी बकरियों के लिए नहीं है, वो लकड़ी संविधान के हक के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आया। इस लकड़ी को बताओ और बोलो ये लाख। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, कब तक तुम ये कांग्रेस की धोखेबाजों में आते, ये कब तक तुम कांग्रेस के दिल फरेब बातों में आते रहोगे? नहीं अब उन्हीं है ना टांग हमारे पास। अरे तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, मेरे सामने तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम खड़ा है, तुम्हारे सामने ऐसा शख्स खड़ा है जिसको ओहदों की जरूरत नहीं है, जिसको लाल बत्ती की गाड़ी का ख्वाब नहीं है, जी मेरी नीयत में नहीं। मेरी जिंदगी मकसद ही है कि गरीब से इंसाफ हो, और तकारीर से नहीं होगा, नारों से नहीं होगा, वो वोट से होगा। अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो इंसाफ होगा। वरना याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12-13 साल के हैं, ये कल जब 20-22 साल के हो जाएंगे, ये तुमसे पूछेंगे कि बता माँ, बताओ अम्मी, बताओ पिताजी, बताओ अब्बा, आपने हमारे लिए क्या किया? तुम क्या जवाब दोगे इन बच्चों को? अगर इनका मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते तो फिर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये 10% का जुमला नरेंद्र मोदी दिए, हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से जानना चाहती हैं, हम मित्रों से पूछना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40, और उसमें कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? 27% रिजर्वेशन, कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? तो मालूम हुआ सिर्फ 14%। जो ओबीसी लीडर कांग्रेस में है, बीजेपी में है, शिवसेना में है, पवार फैमिली में है, आप बताओ ये पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के 14%, 1125 प्रोफेसर है, कितने शेड्यूल कास्ट है? खाली 39 है। आप बोला इंसाफ है? शेड्यूल ट्राइब खाली 8 है, 1125 प्रोफेसर है 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे मैं करूंगा इंसाफ, सबका साथ सबका विकास, है तेरा सबका साथ सबका विकास। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 2620 पोस्ट, खाली 130 शेड्यूल कास्ट, 4.96 शेड्यूल ट्राइब, 1.3। क्या सबका साथ सबका विकास है मोदी? असिस्टेंट प्रोफेसर 7740, कितने एससी हैं? 12%। कितने एसटी हैं? 5%। ओबीसी कितने? 14%। और आप 10% दे रहे हो उन लोगों को जिनके ऊपर कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, जिनके ऊपर कभी जुल्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, नॉन टीचिंग स्टाफ कितने? पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी समाज के 1%, एसटी समाज के 4%, ओबीसी 10.17%। मोदी जी सबका साथ, मोदी जी
आप सावरना समाज को 10% दे रहे हैं। क्या इन पर कभी जुल्म हुआ? मैं जब आ रहा था तो थाने में सूरज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 दलित बच्चे सूरज साफ कर रहे थे, गैस उनके मुंह में गई, मर गए। बताओ ये आप करते, हम करते, कौन करता? ये आपकी गंदगी हम साफ करते हैं और आप 10%। बताइए आप कौन सा इंसाफ है? हम मुंह छोड़े तो मारते हैं, आपके इलाके से बारात लेकर जाते पीटते हैं। अगर सेलफोन पर रिंगटोन पे आवाज आती बाबा साहेब अंबेडकर की तो मारते हैं। ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा? मेरे भाई, जुल्म की एक लंबी दास्तान, मेरी मां और बहनों, जुल्म की एक लंबी दास्तान। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूं कि अब तो बेदार हो जाओ, अब बेदार हो जाओ। ये जो मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन अघाड़ी बनाया है, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, ऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक। और हमसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, वो तमाम के तमाम मिलावट के, मिलावट मिलावट के। अभी आपने सुना हमारे एक भाई ने स्पीच दिया कि कैसे करप्शन के मामले में भी ना इंसाफी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो सबने मलई लूट कर खाया, जब मलई खत्म हुई तो दही खा लिए, जब दही खत्म हुई तो दूध पी लिए, जब दूध खत्म हो गया तो भैंस को लूट कर भगा कर ले गए, जब कुछ भी नहीं मिला तो बहुत कुछ किए, मगर सिर्फ छगन भुजबल पर करप्शन का इल्जाम, सिर्फ छगन भुजबल पर। क्या साहिब के खानदान के भतीजे दूध के दुले हैं? वो कुछ नहीं, वो खाली चके आए। छगन भुजबल 2-2 साल जेल में, ये नाइंसाफी है। उम्मीद करते हैं कि छगन भुजबल भी अब समझ गए होंगे, समझ गए तो अच्छा है, वरना याद रखिए आप, ये लोग सिर्फ हमको हमारा वोट हासिल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये बोलने के लिए खड़ा हूं कि एक मौका आपको प्रकाश अंबेडकर साहब को देना है, प्रकाश अंबेडकर साहब को कामयाब करना है। हम यही चाहते हैं कि ये बहुजन वंचित अगाड़ी समाज ये जो बनाया गया है, इसके तमाम के तमाम उम्मीदवार आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में कामयाब हो। राहुल गांधी, मोदी ये आएंगे आपके पास, आकर बहुत बातें करेंगे, बोलेंगे कि ओवैसी भड़काऊ, ओवैसी कट्टरपंथी है। मोदी आके बोलेंगे, फडणवीस बोलेंगे, शिवसेना भी बोलेंगे। ये शिवसेना का क्या खेल है? सुबह में भाई भाई, रात में दुश्मन दुश्मन, रात में दुश्मन दुश्मन, सुबह में भाई भाई। अरे एक स्टैंड ले लो प्यारे, देखो हम कैसा खड़े मर्दों के साथ, खुलकर मुकाबला करना। ये क्या है? नहीं, चिलमन के पास से कंकर फेंक रहे, आओ ना, निकलो मैदान में। नहीं, हम साथ नहीं देंगे। अरे छोड़ो ना, छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, मलई खाएंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन तक, उसके बाद अगर कुछ सेटिंग हो गई फायदा, मगर यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही मकसद है, ये दलित बहुजन समाज को इंसाफ मिले।
हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के बारे में क्या बोलूं मेरे भाई। अगर नांदेड़ से कोई प्राइम मिनिस्टर को ईमेल करेगा, मिस्टर मोदी आपको हम प्राइस देना चाह रहे, तो मोदी साहब बोलेंगे आजा 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 प्लेन से आता हूं मैं प्राइस दे। कोई जाके प्राइस दिया उनको, मालूम हुआ अलीगढ़ में उसका ऑफिस भी नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, मगर वजीर आजम मुस्कुराकर फोटो ले। क्या वजीर आजम हमको मुसलमानों को बोलते ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करूंगा, तो साबरीमाला में क्या हो गया आपको? साबरीमाला में कुछ नहीं बोलते, वहां जाकर बोलते हैं कि मेरे फेथ का मामला। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि आप हमारे बड़े भाई बाला साहेब अम्बेडकर साहब का साथ दीजिए, नांदेड़ में जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका साथ दीजिए। और अशोक राव साहब से फिर से कह रहा हूं कि मैंने जो बात कही वो रेटरिक नहीं है, वो पूरे इखलास के साथ मैंने कहा है। अब आपको फैसला करना है। मेरे भाई मुत्तहिद रहिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब को मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।